हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल द ड्रीम मैनेजर। और आपके बीच एक नई कहानी, क्योंकि मैं झारखंड सचिवालय सहायक JSSC, ठीक है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसमें आए हुए काम जो है होने वाली, उसमें ASO, BSO, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर वगैरह अन्य भी अदर भी कुछ पोस्ट ऐसा पोस्ट हैं जिसपे, ठीक है, झारखंड सामान्य योग्यताधारी, ठीक है, परीक्षा 2023 जो है फॉर्म आई हुई है उसमें, यानी कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो झारखंड सचिवालय सेवा का जो एग्जाम होने वाली है उसमें जो हिंदी का, इसका हिंदी पेपर टू, ठीक है, हिंदी पेपर टू में जो पढ़ना है हमें उपन्यास कहानी, ठीक है, नाटक, उसमें आज जो कहानी है वो मधुआ जो है एक कहानी है, उसका मैं सारांश और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है, आपके साथ मैं डील करना चाहता हूँ। और आज का जो कहानी है वो बताया है हमको मधुआ, आपका जो आज का कहानी है वो मधुआ है। इसमें मधुआ का जो मेन कहानी है, इस कहानी का मेन सार क्या है, एक जो है शराबी व्यक्ति रहते हैं, एक अनाथ बालक, अनाथ बच्चा जिसका नाम माधव यानी कि मधुआ है, और उस बच्चा का जो है कहानी और शराबी व्यक्ति का कहानी इस पूरी जो है मधुआ कहानी में समाहित किया गया है। इसमें सरदार सिंह जो एक जमींदार रहते हैं, ठीक है, जिसका लड़का लखनऊ में, ठीक है, पढ़ाई करता है, और जो है वो सरदार सिंह उसी से मिलने लखनऊ समय समय पे जाया करता है। जो सरदार सिंह थे इनका एक अजीब शौक होता है, शौक क्या था, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ शौक होता है अपना, इनका शौक था कहानी सुनने का, ठीक है, इनका क्या शौक था, कहानी सुनने का इनका शौक था। एक शराबी व्यक्ति जो रहता है वही इनको कहानियां, लखनऊ में जब ये आया करते थे तब इनको कहानियां सुनाया करता था, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि कहानी सुनने का शौक किसे था, मधुआ कहानी में कहानी सुनने का शौक किस व्यक्ति को था, तो जमींदार सरदार सिंह को। जमींदार सरदार सिंह का बच्चा मधुआ कहानी के आधार पर बताइए कि कहाँ पे रहकर पढ़ाई करता था, तो लखनऊ में। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि मधुआ कहानी में आप बताइए कि सरदार सिंह जो है, ठीक है, अपने बच्चे से मिलने कहाँ जाया करता था, लखनऊ में, ठीक है। मधुआ कहानी के आधार पर बताइए कि कहानी सुनने का शौक सरदार सिंह को था, लेकिन उस कहानी कौन सुनाया करता था, तो क्या कहेंगे, शराबी व्यक्ति, ठीक है। तो इसी इर्द गिर्द में घूमता हुआ ये कहानी है, मुख्य पात्र इसमें जो है मधुआ है और शराबी हैं, ठीक है। सरदार सिंह को कहानी सुनने का शौक रहता है। इस कहानी का जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। दो लाइन इनके बारे में, इनका जन्म 1889 को बनारस में हुआ था, ठीक है। ये एक छायावादी कवि हैं। कैसे कवि हैं, छायावादी कवि है इन्हें, और इन्हें हिंदी साहित्य का मुकुट भी कहा जाता है, ठीक है गाइस। छायावादी में अगर नाम लिया जाए जो भी कवि हैं उनमें, छायावादी कवि की अगर बात करें तो छायावादी कवि जो हैं, जो भी 3-4-5 जो हैं उनमें इनका भी स्थान, बहुमूल्य स्थान है इनका, जयशंकर प्रसाद का, किसमें, छायावादी कवि के रूप में, और इन्हें हिंदी साहित्य का मुकुट कहा जाता है। लेकिन कुछ रचनाओं में कामायनी, आप जब याद करते होंगे, ठीक है, किताब उसके लेखक जब सामान्य GS में, तो कामायनी किसकी पुस्तक है, जयशंकर प्रसाद की, हम लोग याद कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम बताए थे कि नॉर्म में कितने पाकिस्तान किनके लिखक थे, कमलेश्वर द्वारा रचित है, ठीक है, तो उसी तरह से ये भी पुस्तक जो है कामायनी इनका बहुत फेमस था, ठीक है। इनका और भी पुस्तक है, आंसू पुस्तक बोलते हैं, मैंने उपन्यास है आंसू, चित्रधारा, करुणाधय, कुछ और हैं लेकिन जो मुख्य हैं आंसू, कामायनी, चित्रधारा और करुणाधय, ठीक है गाइस। और इनका जो है 1937 में क्या हुआ, इंतकाल हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और इस कहानी को ये इन्होंने लिखा, ठीक है। अगर हमारा बात करें आपको थोड़ी सी, अगर कुछ चीज़ें चर्चा किया जाए तो चर्चा क्या कहेंगे कि इसका सारांश जो है थोड़ा सा, मैं 4 लाइन जो किताब में है मैं उसे पढ़ता हूँ। आज 7 दिन हो गए, कौन कहता है, शराबी जो है, देखिए कहानी शुरू करता है और बोलने लगता है कि आज 7 दिन शुरू हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं,
आज सातवां दिन है, अभी तो तुम्हारे कपड़े में महक आ रही है। ये कहता है, वह वह तो कई दिन हुए, सात दिन के ऊपर कई दिन हुए अंधेरे में पुतल उड़ने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए साहब, सात दिन, ठीक सात दिन से एक बूंद भी नहीं पिया। शराबी जो है आता है जब लखनऊ में सरदार सिंह के पास, तब उसे ये कह रहा है कि मैं तो सात दिनों से शराब को छुआ तक नहीं, जबकि उसके शरीर से क्या था, शराब की बास आ रही थी, बदबू आ रही थी। ठीक है, ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे, कहते हैं लखनऊ में लड़का पढ़ता है, लखनऊ में लड़का पढ़ता है, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहाँ आते थे, उनको कहानी सुनने का चस्का था, खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आता और अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। ठीक है, झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। कहता है कि आप हमें जितना रुपया देंगे तो मैं क्या करूँगा, सारे को पी जाऊँगा। ठीक है ना, सब पीऊँगा। सात दिन चने चबेने पर बिताए हैं किस लिए, कहता है कि सात दिन मैं चने चबेने पर बिताया हूँ किस लिए, आज आप जो भी देंगे हमको, ठीक है, मैं क्या करूँगा, सारे को पी जाऊँगा। अद्भुत, कहता है, कौन बोलता है, सरदार सिंह कहते हैं अद्भुत, सात दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है, यह भी कोई शौक है। सरकार, मौज बाहर की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी ही है। मतलब कहता है कि कितनी बड़ी बात बोलता है, सरकार, मौज बाहर की एक घड़ी, एक बाहर की एक घड़ी लंबे दुखपूर्ण जीवन की से अच्छी है, उसकी खुमारी में रुखे दिन काट लिए जाते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया, सरदार जी पूछते हैं। कहता, मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कूड़ा पड़ा था, मेरे धुआं से कंबल था वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था, हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो तुम मुंह छिपाने की क्या आवश्यकता थी, सात दिन से एक बूंद ने गले न उतरी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था। देखिए, कहता कि सात दिन से मेरे गले शराब तो उतरी नहीं है, मैं मुंह कैसे दिखाता। ठीक है ना, तो क्या कहता है वो, ये तो लाचारी थी, फिर दोपहर हुआ, लाचारी थी, उठना पड़ा, मुंह हाथ धोया, और सरकार, वह क्या कहने की बात है, पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी, पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेंकता भी रहा, फिर गोमती किनारे लखनऊ, क्योंकि गोमती किनारे किनारे बसा हुआ, नदी किनारे बसा हुआ ना लखनऊ, फिर क्या करता है, गोमती किनारे चला गया, घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंद पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने कौन सी कहानी, गलती वाली कहानी सुनाई थी, वो क्या थी, जिसमें अस्फुदौला था, उसकी लड़की को आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भरा भर दिया था, वह क्या सच है। ठीक है, तो ये जो है से अब आ गया उसके पास और कहानी उसको सुनाता है। देखिए, पूरी कहानी पढ़ेंगे तो ये लंबी चौड़ी कहानी है गाइस, इसलिए बस सिंपली मैंने इतना ही बताया आपको इस कहानी में। ठीक है ना गाइस, कुछ नहीं है, बस एक सवारी व्यक्ति अनाथ बच्चा मंगला का कहानी है, और इसी में इसका जो है, ठीक है, कुछ कुछ जो है पूरे कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। ओके, और मैं आपको अब दिखाता हूँ इसका कुछ कुछ क्वेश्चन को, माइंड में रखिएगा। मधुबन जो है एक अनाथ बच्चे का कहानी है, सरदार सिंह रहता है, शराबी है, शराबी जो सरदार सिंह को कहानी सुनाता है, बच्चा अनाथ बच्चे का कहानी है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें इसमें है। और देखिए इसमें क्या बोलते हैं, एक वार्ड या और क्या कहता है, अब तो शराब ना पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। ये कौन बोला, शराबी बोलता है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, सवाल है, शराबी जो है बहुत ही अपनी संवेदना को दिखाने का प्रयास करता है। ठाकुर का एक जमादार होता है लल्लू, एक कुंवर साहब होते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, बच्चे का शोषण करते हैं, और पूरी तरीके से इस कहानी में बच्चे का, ठीक है, शोषण, उसके उत्पीड़न और उसकी बाल मजदूरी को भी दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, मधुबा को इस कहानी सुनाने के बाद सरदार सिंह एक रुपया देते हैं, जिसमें वो अपना अद्धा लेना, यानी कि हाफ लेना, अद्धा लेना भूल जाता है और क्या ले लेता है, बच्चे के लिए, ठीक है, मिठाई और पूरी खरीदता है। ठीक है, क्या करता है, मिठाई और पूरी खरीदता है, कौन, शराबी। ओके गाइस, तो अब जो है कुछ क्वेश्चन और कुछ आंसर जो है आप इसे देखें।
ठीक है, कहता है कि मंडुआ मंडुआ पाठ के आधार पर बताएं कि फटे कंबल के नीचे से शराबी को क्या मिला था, क्या मिला था, पराठे, क्या मिला, पराठे। मधुआ पाठ में शराबी शराब का आधा लेना भूलकर क्या खरीदने लगा था, मिठाई और पूरी। ठीक है, मधुआ जा से रह नकदा ना कर, नहीं तो उठा का उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना। ये किसने कहा था, लल्लू, ये लल्लू जो क्या कर रहा था, शोषण कर रहा था, कौन था, दमादार था किसका, ठाकुर साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुआ पाठ में बालक जो है गठरी लादकर किसे छोड़कर चल पड़ा, अपनी कोठरी को जहाँ रहता था, ठीक है, मधुआ वो कोठरी को छोड़कर, ठीक है, चल पड़ा। शराबी किस कहानी का पात्र है, बताइए तो भाई, शराबी जो है पूछ दे, मधुआ पूछ दे, सरदार सिंह पूछ दे, किस कहानी का पात्र है, तो मधुआ कहानी का है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि मधुआ कहानी में समाज का कौन सा दृश्य सामने आया है, समाज का कौन सा दृश्य सामने आया, बताइए तो, शोषण करता है, शोषण शोषण करता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, शोषण करता है किसमें, मधुआ कहानी में किसका करता है, बच्चा का, तो शोषित शोषित शोषक एवं शोषित का जिक्र है इसमें। मधुआ कहानी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, कौन है रचयिता इनका, जयशंकर प्रसाद। मधुआ पाठ में शराबी बालक के हाथ में क्या देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, रोएगा तो खूब पीटूंगा, रोएगा तो खूब पीटूंगा, ठीक है, क्या चबाने के बाद बोला, पराठे। मधुआ पाठ में सुकुमार कंठ से किसकी शिक्षक ने की आवाज सुनाई दी, मधुआ पाठ में सुकुमार कंठ से शिक्षक ने की आवाज आती है किसका, तो भाई बच्चा जो रो रहा होता है, यानी कि मधुआ का, ठीक है, यानी कि बालक का। जयशंकर प्रसाद के नाटक किस पर आधारित देश प्रेम के भाव को दिखाता है, ऐतिहासिक कथाओं के, ये क्या ऐतिहासिक कथा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ठीक है। हिंदी साहित्य का मुकुट मणि, बताया था अभी आपको, हिंदी साहित्य का मुकुट यानी कि मुकुट मणि भी जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, हिंदी साहित्य का मुकुट मणि हो गया आपका। जयशंकर प्रसाद का कौन सा कहानी संग्रह नहीं है, देखिए जयशंकर प्रसाद जो है लिखे थे आंसू, कमायनी, चित्रधारा, करुणा है, तो कौन सा नहीं लिखे थे, ठीक है आपका, है ना, तो क्या हो जाएगा, करुणा है, नहीं करुणामय, सॉरी करुणामय जो है नहीं लिखे थे। जयशंकर प्रसाद किस वाद्य के रचनाकार हैं, तो छायावाद, बताए थे ये छायावादी कवि हैं, ठीक है, ये छायावादी कवि थे, ठीक है गाइस। तो यही सब कुछ क्वेश्चन जो है आपका डिस्कस मैंने किया, और जो सरदार सिंह का जो स्वभाव था वो बहुत ही निर्दयी था, बहुत लेकिन ये मनोरंजन वाला आदमी थे, ठीक है, और बहुत ही विलासी आदमी थे, कौन, सरदार सिंह, ठीक है गाइस। तो ये रहा आज का छोटा सा टॉपिक, मधुआ कहानी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित थी, ठीक है, जो आपका एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसका कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, और जो छोटे छोटे शब्दों में छोटे अर्थों में मैंने इसको कहानी को निचोड़ कर आपके सामने रखने का प्रयास किया गया, ठीक है, और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन था वो भी मैंने डील किया, ठीक है, आप इसे देखें और कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट दें आपको ये कहानी कैसा लगा, ठीक है, तब तक के लिए फिर बाय बाय।